नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। यूपी में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बड़ी बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं इस बैठक में निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। इस बैठक में गाँव गाँव चल रहे अभियान की समीक्षा भी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभांशु, बहुजन समाज पार्टी की आज जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक हुई है और इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश दफ्तर पे है। ठीक सामने आप देख रही है की तमाम जो जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिलाध्यक्ष और उच्च पदाधिकारी आज आए हैं। अगर बात की जाए तो बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, उनको मूल मंत्र देकर यहां से भेजा जा रहा है, जिससे निकाय चुनाव को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में किया जा सके। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से गाँव चलो अभियान की शुरुआत की गई और साथ ही वाम से जैसे ही जैसे पूर्व में अगर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक श्री कांशीराम लगातार लोगों के बीच जाते थे, काट पट्टियों पे बैठे थे और संवाद करते थे। आमतौर पे बस्तियों में वो जाकर लोगों को कहीं ना कहीं की मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहते। ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए कार्य कर रही है। हमारे साथ से अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष हैं नंदनी, आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में तमाम वो कहीं ना कहीं जो फाइल है, अगर देखें तो डायरी है, इस पर ये एक क्लास करके आए हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता का संबोधन लेकर आए हैं और तमाम मूल मंत्रों को लेकर एक करके हम सबसे बात करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं और एक करके हम बात करेंगे, आप कहाँ से आए हैं और आप बैठक का हिस्सा रहे हैं, क्या मूल मंत्र दिया गया है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता के? बात की जाए तो आज की बैठक में क्या रणनीति तैयार की गई है, किस रणनीति के तहत आप निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे? निकाय चुनाव को बेहतर प्रदर्शन का हम अपील जिले से बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और क्या रहना? मैं शामली के अनुपर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ, बहुजन समाज पार्टी का यही लाल जैन मेरा नाम है। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार सारी टीम मिलकर कार्य करेगी ताकि निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। एक वक्त था जब शामली में बहुजन समाज पार्टी लगभग वहाँ एक वर्ष से हुआ करता था, कहीं ना कहीं अब खोया हुआ है, कैसे उसको वापस लाया जाएगा? वो वापस हमने थमा लिया, गाँव चलो अभियान के तहत जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें हमने जो है बहुत मजबूती के साथ में वापसी की है और वो आने वाले चुनाव में दिखाई देगा, उसका नतीजा दिखाई देगा। आप कहाँ से आए हैं और क्या लेना आपका? मैं बहुजन समाज पार्टी अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी की ओर से गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को फिर से पुनर्गठन किया जा रहा है और ठीक वैसे ही जैसे आप 2007 सत्ता में रहे, उसी मूल मंत्र को लोगों तक पहुंचाने का, आम जनमानस तक पहुंचाने का जो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सही ना सही बात होती थी, इन सब चीजों का आप जनता के बीच कैसे रख रहे हो, उसका क्या परिणाम निकल गया है? लोगों को
समाजवादी पार्टी और पूरे समाजवादी का उठा वहाँ बिल्कुल आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है अपना? मुजफ्फरपुर में क्या स्थिति है? आज बैठक का हिस्सा रहे हैं, अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती की तरफ से तमाम निर्देश जारी किए गए हैं, आपको एक देखा जाए तो एक टारगेट के तहत काम करने के निर्देश भी उठाया जा रहा दिया गया है, तो क्या है इसकी बैठक में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? बात की जाए तो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसको लेकर क्या तैयारियों पर चर्चा की गई है और आपके जिले में क्या तैयारियां कर रहे हैं? 14 अप्रैल को हमने स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे आए भांचो गांव गांव चलो अभियान को लेकर क्या कुछ समीक्षा किया गया है, क्या कुछ इसको ये समीक्षा जो की गई है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? आप कहां से हमें ये बताएं आपकी पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान मंडल कोऑर्डिनेटर है, आपकी पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान शुरू की गई है जिनसे कहा गया है एक बार फिर बसपा का जो एक स्थिति था अगर दो तरह की भाजपा एक तरह की भाजपा को पहचान कर सके तो उसे वापस आएगी, गांव चलो अभियान से कितना लाभ होगा? बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आज लखनऊ में बड़ी बैठक की गई थी बीएसपी की तरफ से, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी और कई तमाम बड़े नेता आज इसमें शामिल हुए थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक की गई थी, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई थी। आपको बता दें कि तमाम तरह की रणनीति तैयार की गई है निकाय चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर भी आज बीएसपी की तरफ से बड़ी बैठक हुई है जिसमें रणनीति तैयार किया गया है। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़े फैसले लेने की तैयारी में आज बड़ी बैठक की है लखनऊ में। पार्टी के विभिन्न अभियान कार्यक्रम की समीक्षा भी इसमें की गई है, जिसके आधार पर ही आगे की रणनीति तय की गई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर कहा था कि बसपा की तैयारी बहुत मजबूत है, बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी और उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। उमेश पाल अपहरण केस में माफिया आतिक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है, इसको लेकर भी आज इस बड़ी बैठक में चर्चा की गई होगी। मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की गई है, जो की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। बसपा नेता मायावती के सामने प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, गांव गांव चलो अभियान को लेकर आज समीक्षा भी की गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे साथ संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आया है? बहुजन समाज पार्टी की निकाय चुनाव के मद्देनजर बैठक समाप्त हो चुकी है। अब तस्वीरों में देख रही है तमाम कार्यकर्ता अब कार्यालय के बाहर आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अगर बात की जाए इस बैठक में साफ तौर पर निकाय दर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सभी राजनीतिक दल अपने
अपने फैसले से चुनाव अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी आज एक अहम बैठक इस बैठक में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिलाध्यक्षों को यहां बुलाया गया था, उन्हें मूल मंत्र दिया गया है और आगामी जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम है जो तमाम आने वाले समय में कार्युवक होते हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। अगर बात की जाए तो फिलहाल के गाँव चलो अभियान चल रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। एक बात करेंगे जिलाध्यक्ष है, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। एक बार और आपको ये बताएंगे, आप हमें ये बताएं कि आज बैठक के अंदर में चर्चा की गई है क्या जिम्मेदारियां तय की गई है। हमें विधायक माने बहनों से हम जो है हर समाज को जोड़ के थाने निकाय पे अधिक से अधिक अपने प्रतिनिधि बताने और बात की जाए तो इस चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के हमारा प्रदर्शन इतना बढ़ाया रहेगा कि 2024 के लोकसभा ये हमारी वो पूरी की पूरी। सर आप क्या कहेंगे आज बैठक में चर्चा की गई है और चर्चा में अगर बात करें तो हम लोग चार दिशा निर्देश दिए गए कि जिलाध्यक्ष इस पूरे जिले की कमान संभालता है, तमाम कार्यकर्ताओं का गार्जियन होता है। तो क्या जैसे आपको ट्रेनर है 24 के लिए साफ तौर पे एक जिला कहना है कि ये 2024 चुनाव का ट्रेनर है और आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मंडली जी विभांशु, देखिए शाइस्ता परवीन के टिकट काटे जाने का औपचारिक तौर पर यह कहा गया था कि शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया जाएगा, तो प्रयागराज से कौन से नए उम्मीदवार को घोषित किया जाएगा? जी आपने अभी तमाम तमाम जिलाध्यक्ष उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो शाइस्ता परवीन के मामले पर आज कोई चर्चा नहीं की गई है, प्रत्याशियों के चयन पर कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि बात की जाए तो वोटर लिस्ट माना जा रहा है कि जल्द ही जारी किया जाएगा। वोटर लिस्ट के बाद कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की जो सूची है उसको भी पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी। अभी आपने देखा कि आवेदन पूरा किया गया पार्टी की तरफ से और आवेदन करने वाले प्रत्याशियों को जरूर हर एक निर्णय से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। एक बार फिर हम कुछ यहाँ तमाम जिलाध्यक्ष है उनसे संवाद करने का प्रयास करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? आप अगर बात की जाए तो आज तमाम निर्देश दिए गए हैं और बात की जाए तो चर्चा को लेकर बंटवारे को लेकर चर्चा की गई मजबूत उपस्थिति दर्ज कराया, बहुजन समाज द्वारा चिन्हित कार्यकर्ताओं को चुनाने भागीदारी देते हुए नए तरीके से बहुजन समाज पार्टी को चुनाव सत्ता में लाने के लिए अपने निकाय चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज करने में माने पर निर्देश दिया और कर्मचारी बड़ी तरह हर विधानसभा में वोट मांगे थे, लेकिन 12 के बाद एक परिवर्तन हुआ
और उनका 50,000 एक एक लाख हजार रुपए का उसका विधानसभा में 50,000 है तो हम जब 60,000 वाला सत्ता में आ सकता है तो हमारे पास 50,000 वोट हर विधानसभा में हम कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जो गाँव के लोग ज्ञान नीति के माध्यम से कराया जा रहा है लेकिन थोड़ा सा लोगों के अंदर जागरूकता आई और समाज के लोग समझे फिर समझे बहुजन समाज पार्टी यही कह रही है कि वो 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी तो कितना मजबूती दिखाई दे रहा है इस बार बहुजन समाज पार्टी में। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक है लेकिन पिछली रणनीति में उन्होंने एक अलग नया रणनीति निकाला था कि प्रबुद्ध महासम्मेलन किया था ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की आज एक अहम बैठक की गई थी जहां पर यह बैठक खत्म हो चुकी है। 2024 चुनाव को लेकर और नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं पर आज बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी एक अहम बैठक बुलाई थी। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।